Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Well, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल विजिट करके दिखाने वाली हूँ. वेल, इसको आप ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, इट्स द वंडरफुल टेम्पल आई हैव एवर सीन. ये टेम्पल इतना खूबसूरत है, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं. अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ये एक बार ज़रूर देखने जाइएगा. ये आई थिंक बेंगलोर से 236 और 35 किलोमीटर्स है, और मैं तो सकलेशपुर से गई थी, तो मैं सकलेशपुर से इट्स अराउंड 7.4 किलोमीटर, तो मुझे 45 मिनट्स लगा था यहाँ पहुँचने में. वैसे कि आप लोग सभी को पता है कि भारत एक बहुत ही सांस्कृतिक एंड रिलीजियस कंट्री है. यहाँ पे आपको हर जगह पे, बड़े शहर छोटे शहर हर जगह पे, छोटे छोटे जगहों पे आपको ऐसी मंदिर और ऐसे मतलब धार्मिक जगहें मिल जाएंगी, और इनका जो कलाकारी है वो देखने ही बनते हैं, इतनी खूबसूरत. उन सब में से ये एक टेम्पल है, चिनकेश्वर टेम्पल, जो कि बेलूर तालुक इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है. ये टेम्पल 900 पुरानी है और इसको कंस्ट्रक्ट करने में 103 साल लग गए. कहा जाता है कि पूरे के पूरे 3 जनरेशन लग गए इस टेम्पल को कंप्लीट करने में. मेन एंट्रेंस है, जो बड़ी जो मेन टेम्पल होती है वो यही है, और यहीं पे भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है. अब हम लोग देखेंगे टेम्पल के अंदर का सीन कैसा है, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप पूरा टेम्पल का टूर करेंगे. टेम्पल के अंदर का सीन है, और अंदर में भी इतना खूबसूरत से कलाकारी की गई है कि आप उसको देखते ही बनती है. बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और कितनी सारी ऐसे स्टैचूज थे जिसके बारे में हम मुझे सच में नहीं पता, एंड मुझे अगर नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मुझे इसके बारे में जानना है. खूबसूरत से ये हनुमान जी को बहुत ही अच्छे से इस कलाकारी में दर्शाया गया है. इस टेम्पल में 3 एंट्रेंसेस है. पहला वाला था जिसमें हम एंटर किए थे, यहां से हम पूजा करके निकलेंगे, और एक पीछे भी एक एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में. मंदिर में रामायण और महाभारत के कई दृश्य को बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाया गया है, और भी बहुत सारी हिस्ट्री के जो स्टोरीज हैं एंड जो गॉड्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है. आप अगर यहाँ आते हो तो टाइम लेके आना और एक एक चीज़ को अच्छे से देखना. टेम्पल, इसकी ब्यूटीफुल स्टैचूज और ये जो कार्विंग किए गए हैं इसी के लिए ही बहुत फेमस है. और ऐसा भी माना जाता है कि ये सारे जो है वो पत्थर पे हाथ से उसे बनाया गया है, तो जस्ट इमेजिन इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा. वेल, इसका हिस्ट्री और अच्छे से जानने के लिए अगर आप यहाँ आते हो तो आप गाइड का हेल्प ले लेना. आप गाइड जरूर रखना. मैंने गाइड नहीं रखा था इसलिए मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया, बट अगर आप यहाँ जाते हो तो टेम्पल को देखने में और उसकी हिस्ट्री साथ में उसकी हिस्ट्री जानने में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है. फिर
तो आप गाइड जरूर रख लेना। टेम्पल 118 फीट लंबा है एंड 156 फीट चौड़ाई है इसकी। ये टेम्पल सच में बहुत बड़ा था यार, मतलब इसको घूमते घूमते मुझे लग रहा है एक घंटा से ज्यादा, सिर्फ एक घंटा भी कम हो जाएगा, दो घंटा तो आपको आराम से लग जाएगा इस टेम्पल को पूरे अच्छे से देखने में। लास्ट में जब आप एग्जिट करोगे तो आपको ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पॉन्ड दिखेगा। कुआ है जिसमें मैंने कॉइन डाल के विश मांगा, क्योंकि ऐसा बना जाता है कि आप अगर ऐसे करते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है।